नमस्कार, मारवाड़ी मीडिया आप देख रहे हैं। चलिए एक नजर डालते हैं प्रदेश की आज की बड़ी खबरों पर। शुरुआत करते हैं सबसे बड़ी खबर के साथ। हरियाणा कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष और सोनिया गांधी की करीबी माने जाने वाली कुमारी शैलजा अचानक रविवार रात जयपुर पहुंची और मुख्यमंत्री से मुलाकात की। कुमारी शैलजा का दौरा राजस्थान की राजनीति में आने वाले दिनों के लिए काफी अहम माना जा रहा है, क्योंकि कहा जा रहा है कि कुमारी शैलजा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के लिए सोनिया गांधी का कोई बड़ा संदेश लेकर आई है, जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के लिए मंत्रिमंडल के संभावित फेरबदल और विस्तार से सीधा जुड़ा हुआ है। कुमारी शैलजा की मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से रात को लंबी मंत्रणा हुई। कुमारी शैलजा का जयपुर दौरा अब सियासी हलकों में चर्चा का विषय बना हुआ है, क्योंकि कुमारी शैलजा के जयपुर प्रवास को इतना गुप्त रखा गया है कि राजस्थान के अनेक करीबी नेताओं को भी इसकी भनक नहीं लगी। माना जा रहा है कि शैलजा सोनिया गांधी का कोई खास संदेश लेकर अशोक गहलोत के पास पहुंची है, इसीलिए इस मुलाकात को काफी सीक्रेट मुलाकात रखा गया। प्रदेश की दूसरी बड़ी खबर, राजस्थान के बिजली उपभोक्ताओं को अब बड़ा झटका लगने वाला है। प्रदेश में अब घरेलू और इंडस्ट्रियल उपभोक्ताओं की तरह घरेलू उपभोक्ताओं से भी कनेक्शन के कनेक्ट लोड के हिसाब से स्थायी शुल्क वसूला जाएगा। अभी तक बिजली उपभोग के यूनिट स्लेब के अनुसार स्थायी शुल्क लगता है। नया फैसला लागू होने के बाद फ्लैट व मकान बंद रखने वाले बड़े उपभोक्ताओं को बिना बिजली जलाए ही एक महीने के लगभग 800 रुपए तक का स्थायी शुल्क देना पड़ेगा। आपको बता दें, अब नए प्रस्ताव के अनुसार 10 किलोवाट से ज्यादा कनेक्ट लोड वाले उपभोक्ता से भी 80 रुपए प्रति किलोवाट से वसूली होगी, यानी बड़े उपभोक्ताओं को अब 400 की बजाय 800 रुपए प्रति माह का स्थायी शुल्क देना पड़ेगा। एक और बड़ी अपडेट आपको दे दें, मानसून सत्र की वजह से पेट्रोल व डीजल की तरह रसोई गैस सिलेंडर के दाम भी इस महीने नहीं बढ़ाए गए हैं। सिर्फ होटल व ढाबों में काम आने वाले यानी कि कॉमर्शियल गैस सिलेंडर को 72.50 पैसे महंगा किया है। तेल कंपनियों ने रविवार को गैस सिलेंडर के दाम रिवाइज कर दिए हैं। कॉमर्शियल सिलेंडर 72.50 पैसे महंगा होने के बाद 1645 रुपए में मिलेगा। रसोई में काम आने वाला घरेलू गैस सिलेंडर 839 रुपए तक मिलेगा। प्रदेश की अगली बड़ी खबर, मौसम को लेकर बड़ी अपडेट। प्रदेश में रविवार को भी बारिश का दौर जारी रहा। भीलवाड़ा, सीकर, अजमेर, कोटा, बारां, बूंदी, सीकर, जयपुर, भरतपुर, दौसा, नागौर के कुछ स्थान, पाली जिलों में कहीं कहीं पर भारी व अति भारी बारिश दर्ज की गई। पिछले 24 घंटों के दौरान सबसे अधिक बारिश भीलवाड़ा के हुड़ा में 215 मिलीमीटर बारिश हुई। नागौर के मेड़ता सिटी में मकान की छत गिरने से एक महिला की भी मौत हो गई है। वहीं पाली जिले के बगड़ी नगर थाना क्षेत्र के गजनाई गांव में बारिश के चलते एक बच्चे पर दीवार ढह गई है। मारवाड़ अंचल के कुछ क्षेत्रों को छोड़ दे तो बाकी पूरे राजस्थान में अब बारिश की कमियां दूर हो चुकी है और मौसम विभाग ने कहा है कि 4 अगस्त तक पूर्वी राजस्थान में सभी स्थानों पर भारी बारिश होगी, जबकि पश्चिमी राजस्थान में भी अधिकांश स्थानों पर बारिश होने की संभावना है। आज राजस्थान के पूर्वी जिलों में भारी बारिश को लेकर रेड अलर्ट जारी कर दिया है। तो यही थी प्रदेश की आज की कुछ बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।